मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पाही मोड़ के पास मोहल्ला अमिलो में मंगलवार दिन में 12:30 बजे बेटा ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार करके अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। मां को मरा देखकर वह घर से भाग निकला। जब तक पास पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचते कि देर हो चुकी थी, मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। घटना सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और घटना की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई। मुबारकपुर के मोहल्ला अमिलो निवासी सुखिया देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी उद्धव गुण घर अकेला बड़ा बेटा सुनील जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वह सीकड़ में बांध के रखा जाता था। सीकड़ से किसी प्रकार से वह खुल गया और रॉड से अपनी मां के ऊपर कई वार कर दिया। मां गंभीर घायल होकर गिर पड़ी और अचेत हो गई, घर के सामने ही दम तोड़ दिया। पति उद्धव किसी काम से बाहर गया था, बेटा अमरजीत ई रिक्शा लेकर बाहर गया था। घर से कुछ दूर छोटा बेटा दीपक बकरी चराने गया था, घर पर कोई नहीं था। घटना के बाद पास पड़ोस के लोग पहुंचे तो वहां मृत अवस्था में पड़ी थी। मृतका बगल के गांव अतरडीह में चौका बर्तन करती थी, पति ठेला लगाता था। 3 पुत्र अविवाहित थे जबकि 4 पुत्रियां सविता सरिता सुनीता अंगूसा विवाहित हैं। संवाददाता अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या मामला है सर? प्रकार ये ग्राम अमीलो में लगभग दोपहर में 12 बजे सुखिया देवी जिनकी उम्र लगभग 55 साल की है, इनके लड़के सुनील ने लोहे के रॉड से इनके ऊपर प्रहार किया जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। सुनील का इलाज मानसिक रूप से चल रहा था, मानसिक इलाज इसका चल रहा था 2021 से, वर्तमान में ये कहीं अगल बगल कहीं भाग गया है। पुलिस की टीम गठित करी गई, शीघ्र इसकी गिरफ्तारी कर लगानी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।